ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बना के उसको पे लेबल करना है तक कम से कम आपने दस पार्ट जो है लेबल करने हैं कि फॉर एग्जांपल ये ईयर्स है ये आइज़ है इस तरह आपने नोट करने हैं एक्टिविटी नंबर टू लुक एट द पिक्चर इस पिक्चर को देख के क्या करना है चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड फेल इन द ब्लें ये आपको दिए हैं और नीचे आपको कुछ ब्लेंकस दिए हैं उसमें आपने ये लगाने हैं और इस पिक्चर को देख के महीने नेम इज़ उठन एंड आई एम फनी मॉन्स्टर आई आई हैव गॉट बिग हेड इसका हेड देखें बिग uh, है आई हैव थ्री आईज देखें इसकी आईज जो है वन टू थ्री सो आई हैव थ्री आईज आई हैव रेड नोज देखें ये रेड वाली नोज है एंड अ वेरी बिग माउथ डिग है कैन यू सी माई टीथ ये देखिए वन टू थ्री फोर आई हैव फोर बिग टीथ एंड वन लॉन्ग टोंग आई हैव टू आर्म्स एंड टू हैंड्स आई हैव वेरी शॉर्ट लेग्स एंड टू फीट एक्टिविटी नंबर थ्री द इन साइड ऑफ यूअर बाडी कुछ एक्सटर्नल होते हैं और कुछ इंटरनल होते हैं जो एन साइड है उसको हम इंटरनल कहते हैं देयर आर सम पार्ट्स विच आर एन साइड यूअर बाडी दीज पार्ट्स वर्क टूगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं uh, uh, तो इसमें आप यहाँ पर देखें एंड क्वेश्चन ये है एग्जाम इन द डायफ़ द्यूमन बॉडी केयरफुली इस डाइग्राम को गौर से देखें लर्न एंड राइट डाउन द नेम ऑफ पार्ट देर आर इन साइड यूवर बॉडी तो इन साइड क्या होते हैं देखिए यहाँ पर आपको किडनी नज़र आ रही है ये जो है आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये जो है इन साइड ऑफ योर बॉडी है ड्रा द डायग्राम ऑफ लंग्स ब्रेन ब्रेन जो है ये स्कल में होता है इन साइड में आता है किडनी ये देखें किडनी बीज यानी ये, ये जो बीज है सॉरी बीन जो है उसके शेप जैसा होता है एन योर नोटबुक एंड कलर दम फ़न एक्टिविटी में आपने क्या करना है ट्राई टू मेक ह्यूमन बॉडी ऑर्गन विद प्लेट ऑफ एंड मॉडलिंग क्ले एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्ले मिलता है जैसे आप डिफरेंट शेप के डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं तो वो ले आपने ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन जो है वो बनाने हैं एक्टिविटी नंबर फोर देर आर बोन इन साइड यूअर बॉडी में तकरीबन दो सौ छः बोन्स होते हैं द बोन् मेकअप द फ्रेम ऑफ यूर बॉडी हमारे जो बॉडी का शेप बना हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द बोन ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन ये स्केलेटन आपको दिया है आपने करना क्या है नो लुक एट द ह्यूमन बॉडी फिगर गिवन बिलो एंड कलर द बोन्स इसमें जो बोन्स आपको नज़र आ रही हैं इसको आपने कलर करने हैं देखिए ये बोन्स जो है यहाँ पर स्कल में भी और ये सारे बोन्स आपने कलर करने है. five, you know milk? हाँ, milk हैं एक्टिविटी नंबर फाइव डू यू नो वाई डू वी ड्रिंक मिल्क हम मिल्क क्यों पीते हैं क्या आप जानते हैं थिंक कैंड राउन दी आंसर इन यूअर नोट बुक अब उसके फ़ायदे क्या है वो आपने अपने नोटबुक में लिखने हैं कि मिल्क से हमें एनर्जी मिलती है और एक जो है एक बैलेंस डाइट है इस वजह से हम मिल्क पीते हैं सपोज इफ़ योर बॉडी इज़ विदाउट बोन्स आपकी बॉडी में बोन्स नहीं है वुड यू वुड यू बी एबल टू रन तो आप इसके बगैर रन यानी आप रनिंग या का बॉल एंड प्लेट और, प्ले और वार, आप इस तरह की गेम खेल सकते हैं क्या आप उसमें दौड़ सके बाल को किक लगा सके बोन्स के बगैर क्या ये मुमकिन है इफ यस आर नो पुट इन राइटिंग यूर आंसर इन द नोट बुक तो क्या है उसमें नो no, आप इस बोन्स के बगैर कैसे दौड़ेंगे कैसे किक लगाएंगे एक्टिविटी नंबर सिक्स bring to mind the human body part that are inside your body and name the following part पार्ट इनसाइड बॉडी यानी इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन है उसके जहन में लाते हुए आपने इसको क्या करना है नाम देने हैं तो सबसे पहले आ गया हार्ट यह हो गया ब्रेन ये, ये हो गया लंग्स ये हो गया स्केलेटन एंड ये हो गया किडनी एक्टिविटी नंबर सेवन कलर रेड पार्ट दट पंप ब्लड अराउंड द बॉडी तो जो ब्लडिंग जो ब्लड की सप्लाई करता है वो हार्ट है उसको आपने रेड कलर से क्या करना है कलर करना है कलर ब्लू पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प यू ब्रीथ जैसे आप सांस लेते हैं दैट इज़ लंग्स उसको आपने ब्लू कलर देना है कलर येलो द पार्ट दैट सेंड मैसेज टू ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी ये जो है ब्रेन की बात कर रहे हैं तो आपने ब्रेन को येलो कलर करना है एक्टिविटी नंबर एट कीप एंड माइंड द ह्यूमन बॉडी ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन यूर नोट बुक ठीक है हार्ट वेयर इज द हार्ट लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी हार्ट कहाँ पर होता है तो आंसर में लिखे इन फ्रंट एंड मिडल ऑफ द छिस्ट जो है हार्ट होता है वट इज द फंक्शन ऑफ अ हार्ट द फंक्शन ऑफ अ हार्ट इज पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी द ब्रेन इज लोकेट इन दल कोपड़ी में होता है इसके यू डबल इसका बी पोर्शन है राइट डाउन द जॉब ऑफ द ह्यूमन ब्रेन द जॉब ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज टू कंट्रोल थॉट मेमोरी एंड इमोशन नेक्स्ट वन इज द लंग्स वेयर आर द लंग्स लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी तो इसमें आप लिख के इन द चेस्ट ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड क्योंकि यहाँ पर चेस्ट में एक राइट right साइड पे होता है एक लेफ्ट पे होता है सो इन द चेस्ट इन द राइट एंड द लेफ्ट साइड आउटलाइन द फंक्शन ऑफ लंग्स द मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये जो हम गेसेज अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो ये काम जो है दट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स एक्टिविटी नंबर नाइन ह्यूमन है सेंसेज हेल्प टू परफॉर्म द डेली टास्क ऑफ लेवस कौन कौन से अब डिफरेंट जो है सेंसेज है डिफरेंट काम कर रहे हैं जैसे हम आई कैन सी देखने का जो काम है उसमें आइज आते हैं अ बर्ड फ्लाइंग अप इन द स्काई आई कैन हीयर तो ये जो है किसका काम है ईयर का आई कैन स्मेल ये नोज़ का काम है आई कैन टेस्ट जो है टच जो टोंग का काम है आई कैन टच ये जो है स्किन का फंक्शन है एक्चुटी नंबर टेन फेल इन दर्ड्स विद करेक्ट वर्ड्स इट टेस्ट इसका आपसे पूछ रही हैं कि इसका टेस्ट कैसे होता है तो ये स्वीट होता है इट इट टेस्ट तो इसका स्वीट टेस्ट कैसे होता है शौर यानी त्रश होता है इट स्मेल्स कैसे होता है ऑफुल uh, होता है इट स्मेल और इसका कैसे होता है अमेजिंग होता है इसके साउंडस का पूछ रही हैं इट साउंडस नॉइसी और जबकि इसका जो साउंड होता है वो सॉफ़्ट होता है इट लुक्स ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है ब्यूटिफुल और ये जो है दैट इज़ एलिगेंट इट फील कैसे सॉफ्ट फील होता है जबकि ये जो है ये हॉड फील होता है एक्टिविटी नंबर एलेवन हाउ हेल्थी आर यू आप कितने हेल्थी है अगर आपने ये देखना है तो फिर आप उसके लिए आपको क्या करना होगा ट्राई टू दीज एक्टिविटीज़ जैसे ये एक्टिविटी दिए गए हैं ये डिफरेंट जो अर्गेन, जो आर्गेनिज़म है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना है आपने उसके उसके जैसा करना है हाउ मेनी एक्टिविटीज़ डेड यू परफॉर्म एंड हाउ मच टाइम यू व यू टुक राइट डाउन योर आंसर इन यूर नोटबुक कितने टाइम के लिए आप करते हैं वो आपने नोटबुक में लिखना है फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो फ्लैपिंग है आपने यही फ्लैपिंग करना है ऐसे कड़े हो के जो बाज़ू है इसके इसको आपने ऐसे फ्लैप करना है परिंदों की तरह हाउ लॉन्ग यू कैन स्टैंड ऑन वन फुट लाइक फ्लेमेंगो इसकी तरह आपने सिंगल पाँव से देखिए इसका पाँव जो है एक ऊपर है ऐसा करना है आपने क्रिप वॉक इसके जैसे आपने वाक करना है और इसके जैसे आपने बीच दफ़ा करना है होप ये डक की तरह आपने दो मिनट जो है वेडलिंग करनी है और स्टॉम्प लाइक एलिफेंट ये एक मिनट तक लीप फ्रॉग फ्रॉक फ्रॉग की तरह जिस तरह से ये जंपिंग करता है उसी तरह आपने भी करना है स्लिच अक्रॉस अ रूम लाइक अ स्नैक इसकी जैसे आपने करना है एक्टिविटी नंबर ट्वेल्व लिस्ट द आउटडोर गेम दैट यू आर प्लेइंग दिस समर कौन से आउटडोर गेम यानी जिनके लिए एक कुल्ला मैदान की ज़रूरत होती है उसके आपने नाम लिखने हैं तो सबसे पहले क्रिकेट लिख के टेनिस लिख के फुटबॉल बास्केटबॉल वॉलीबॉल हॉकी क्वेश्चन टू हाउ मेनी आवर्स डू यू यूजुअली स्पेंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स कितने घंटे के लिए आप खेलते हैं टू आवर्स के लिए हाउ मेनी आवर्स डू यू स्पेंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम तो कंप्यूटर गेम के लिए आप एक घंटा देते हैं हाउ मनी आवर्स टू यू स्पेंड वॉचिंग टी वी हाफ an एन आवर जितना आप देखते हैं कंप्यूटर गेम आप नहीं खेलते या पंद्रह बीस मिनट के लिए खेलते हैं मैं तो समझता हूँ कि पंद्रह बीस मिनट भी ज़्यादा है फिजिकली जो गेम्स होते हैं वो आप जितना ज़्यादा खेल सकते हैं खेलें बेशक डू यू एक्सरसाइज डेली अगर आप करते हैं तो येस yes, अगर नहीं करते तो नो मेन्शन द गेम्स आर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज तो वो कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो जम्प रूप आता है आप जो जंपिंग का गेम करते हैं जंप रूप रस्सी लेके जो जंपिंग का गेम खेलते हैं इसके अलावा आप जंपिंग जेक का जो गेम होता है उसका लिखें एंड नेक्स्ट वन इज अगर आप बॉक्सिंग देखें तो ये भी एक किस्म की एक्सरसाइज है अगर आप इसके अलावा टेनिस देखें तो टेनिस जो है ये भी एक एक्सरसाइज की तरह गेम है इसके अलावा अगर आप रेसलिंग की बात करते हैं तो रेसलिंग जो है वो भी एक्सरसाइज गेमिंग में आता है या इसके अलावा अगर आपने कुछ ऑब्स्टिकल बनाए हैं उसके साथ आप खेलते हैं तो ये भी आता है इसमें एक्टिविटी नंबर थर्टीन इन यूर नोटबुक सम हैबिट्स आर सम में लिखने हैं तो जो हेल्थी हैबिट्स है जो मैं समझता हूँ तो उसमें जो सबसे पहले आता है ईटिंग हेल्थी डाइट अगर आप अच्छा खुराक खाते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ गेटिंग एक्सरसाइज डेली जो है द बेस्ट हैबिट है नेक्स्ट वन जो है उसमें आता है कि अनहेल्थी uh, जो हैबिट्स हैं उसमें आप लिखें नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर अक्सर बच्चे जो है वो जितनी पानी की मकदार की ज़रूरत होती है उससे कम पानी पीते हैं जो कि बैड हैबिट है कभी आपने नहीं करना चाहिए ईटिंग एट ए लेट नाइट आप टाइम पे खाना नहीं खाते लेट टाइम पे कहते हैं मेक अ चाट ऑन स्टेंग हेल्थी इस पर आपने पर चाट जो है वो भी बनाना है एक्चुविटी नंबर फोर्टीन हबीबा फॉन्स टू ईट हेल्थी फूड सर्कल द हेल्थी फूड फॉर हबीबा जो हेल्थी फूड है उसको आपने सर्कल करना है फॉर एक्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स है और जो फ्रूट्स है ये सबसे हेल्थी फूड है आ, तो ये देखें और क्रेप्स जो है ये भी है आप इसको सर्कल कर लें और ये जो है हेल्थी है यानी जितने भी वेजिटेबल्स या जो फ्रूट आपको नज़र आते हैं इसको आप सर्कल कर लें एक्टिविटी नंबर फिफ्टीन फूड आपको दिए हैं ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं आपने इसको लेकर यहाँ पर ये फिल करने हैं आई एम एन एलिफेंट ठीक है आईवन लैंड लैंड पे रहता है आई ईट लिव्स आई एम अ मंकी लैंड एंड आई ईट अ फ्रूट्स में ये जो है ज्यादातर बनाना को पसंद करता है आई एम अमल अलेवन लैंड आई ईट ग्रास आई एम स्पैरोट नट्स एंड आई एम अ टाइगर अलेवन लैंड एंड आई ईट मीट आई एम अ फ्रॉक एंड अलेवन वाटर एंड ईट एन सेक्ट इन सारे एनिमल्स के नाम भी आपको दिए हैं जराफ का दिया है लैंड पे और ये लीव्स ग्रास भी आप लिख सकते हैं लेकिन लीव्स इस वजह से क्योंकि इसका जो कमर है ये लीव्स को जो है इजीली खा सकता है क्रोकोडाइल वाटर में रहता है एंड अर्थ सॉरी अदर एनिमल जो है वो खाता है डॉल्फिन जो है वाटर में होता है एंड फिश खाते हैं इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि हनी अगर ये होता कि हनी बीज तो फिर इसको हम लगा देते फ़्रॉक के साथ और फ्रॉक के साथ जो इंसेक्ट हमने लगाया है ये फिर हम स्पैरो के साथ लगा देते लेकिन ये हनी है लेकिन आई थिंक ये मिस्टेक है एक्टिविटी नंबर सिक्सटीन क्लीन योर रूम उसका रूल आपको बताए हैं कि कैसे आपने अपने रूम को क्लीन करना है कपड़ों को आपने किस तरह रखना है क्लॉथिस और टॉय को आपने किस तरह रखने हैं और आपने बेड को कैसे साफ़ करना है बुक को आपने किस तरह से आर्डर में रखना है यानी तरतीब के साथ रखना है और जो गारबेज होता है आपका उसमें सारी चीज़ें डाल के रखनी है एक्टिविटी नंबर सेवनटीन ये पैराग्राफ आपको दिया है और फिर वट यू नीड लार्ज क्लीन ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होगी अच्छा पढ़ते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं एन्वायरमेंट इज एवरी थिंग दट इज़ अराउंड अस जो भी इर्द गिद हमारे जो इर्गिर्द होता है वो हमारा एनवायरमेंट होता है पलूशन अकर विन पार्ट ऑफ द एन्वायरमेंट बिकम्स अनहेल्थी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन वन ऑफ द टाइप इज वाटर पोल्यूशन इनक्रेज यूर कैट्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट कैसे आपने बच्चों को तरतीब देना है कि वाटर पोल्यूशन जो है ये हेल्थी उसके लिए अच्छा नहीं है हमें कैसे इसको एवॉड करना चाहिए किधर सम सम्पल फिल्टर पेपर एंड फाइंड आउट दिस एक्टिविटी इज़ अ गुड वे टू किड्स टू बी मोर अच्छा उनको बताना है कि कैसे वाटर में जो पोल्यूशन होता है उसको आपने कैसे डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए क्लीन जार चाहिए और मॉस्किंग टेप चाहिए फ़िल्टर पेपर जैसे हम वाटर को फिल्टर करेंगे मैगनीफाइंग ग्लास चाहिए उसके लिए वट यू डू यूजिंग द फोर लार्ज आर कलेक्ट साम्पल ऑफ वाटर फ्राम डिफरेंट सोर्सेज आपने चार अलग अलग जगहों से पानी इकट्ठा करना है सोर्सेज टू यूज़ माईट बी टेप वाटर लें बॉटल वाटर लें रेन वाटर लें या आप किसी पाउंड या रिवर से वाटर लें और अलग अलग, अलग उसमें डालें यूजिंग द मास्किंग टेप एंड अ मार्कर लेबल इज आर सो दैट यू विल बी एबल टू इजिली आइडेंटिफाई द सोस ऑफ वाटर उसके ऊपर नाम लिखें कि ये पानी आपने कहाँ से लिया था फिट द फिल्टर पेपर उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाएँ उसके फिर जो है इन साइड द माउथ लार्ज वाइट माउथ लार्ज टेक वन ऑफ द वाटर सैंपल उसमें से एक सैंपल लो एंड स्लोली पोर द वाटर द फिल्टर पेपर के ऊपर से ऐसे उसको पोर करें रिपीट फॉर ईच वाटर सैंपल फिर अलग अलग वाटर के लिए अलग फिल्टर पेपर इस्तेमाल करके सबको जो है ऑब्जर्व कर लें डोंट फॉरगेट टू लेबल द फिल्टर एंड न्यू जार सो दैट आपने तरतीब के साथ नंबरिंग दे के या उसके ऊपर नाम लिख के कि ये कहाँ से हमने लिया था टेप वाटर है या पाउंड वाटर है वो करना है ओपन ईच फिल्टर एंड एग्जामिनेटर थ्रू द मैग्निफाइंग ग्लास मैग्निफाइंग ग्लास जो थोड़ा बड़ा करके दिखाता है उसके थ्रू आपने देखना है विच फिल्टर इज़ द मोस्ट डिसकॉलर्ड जो डिसकलर यानी अपना जो कलर है उसका गायब हो जाएगा तो जिसका ज़्यादा गायब होता है विच फिल्टर कॉड द मोस्ट पार्टिकल उसमें ज़्यादा पार्टिकल आते हैं तो उस वजह से उसका अपना कलर जो है गायब हो जाता है डिड एनी ऑफ द साम्पल लिव अ कलर्ड रेज ऑन द फ़िल्टर उसके ऊपर कोई कलर्ड रेज रह जाता है ये आपने एग्जामिन करना है डिफाइन इन्वायरमेंट तो एनवायरमेंट का भी हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है इज़ एवरी थिंग दैट इज़ अराउंड अस इज़ कॉल्ड एनवायरमेंट एंड नेक्स्ट वन इज डिफाइन पोल्यूशन एनी अनडिज़ायरेबल थिंग इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन अनडिज़ायरेबल यानी जिनकी ज़रूरत नहीं होती ऐसी सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं पोल्यूशन uh, कहते हैं हाउ द वाटर इन रिवर स्ट्रीम पॉन्ड्स बिकम पोलूटेड कैसे पलूट हो जाते हैं हम इंसान ही जो है उसको पल्यूट करते हैं वी ह्यूमन बींग पलूट वाटर वेयर डू पोल्यूटेंट कैम फ्राम कहाँ से आते हैं अ मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज़ ड्यू टू द केमिकल केमिकल होते हैं या ज़्यादातर डाइज डाइज जो कपड़ों वगैरह को कलर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो फैक्ट्री वाले ऐसे ही बगैर किसी प्योरीफिकेशन या सफाई के रिवर वगैरह में डाल देते हैं तो इससे जो है वाटर पोल्यूशन काज होता है एंड वेजुल हु लेटर इन वाटर सोर्स लाइक रिवर स्ट्रीम आल्सो कंट्रीब्यूट टू द वाटर पोल्यूशन तो इससे जो है वाटर पोल्यूशन यानी एक्टिविटी नंबर लेवल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट कलर द व्हेन यू आर फैनिश्ड अपने सबसे पहले क्या करना है कि ये नाम लिखने हैं फ्लावर हो गया स्टेम हो गया लिव्स हो गया रूट्स हो गया अब इसको कलर कर लें नेक्स्ट वन इज ड्रा द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट इन यूर नोट बुक एंड कलर दि बशेज आपने बनाने हैं फ्लावरिंग प्लान्टो फ्लावर देते हैं ट्री एंड प्ल्ट विद वीक स्टेम यानी सबसे पहले अपने जाड़ियाँ बनानी है फिर उसके बाद जो फ्लावर देते हैं जैसे ये ऊपर वाला फ्लावर है फ्लावरिंग प्लान के लाते हैं एक्टिविटी नंबर ट्वेंटी प्लाट हैल्प अस इन मैनी वेज किस तरह जॉइन ईच सेंटेंस इज बिलोट पिक्चर नीड किस को किस चीज़ की ज़रूरत है देर कैन बी मोर देन वन यूज ऑफ सम सारा वांट्स टू मेक अकवल्ड तो उसके लिए उसके आ, कौन से प्लांट की जरूरत होती है इसकी द फिशर वांट्स टू बिल्ड अ बोट तो बोट के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है यहाँ पर ले आए एंड अलीजा इज टायर्ड एंड वांट टू रेस्ट इन अ पार्क रेस्ट करना चाहती है तो ये साया जहाँ पर ज़्यादा हो ये देखिए ये बड़ा ट्री है शी व शेड फ्राम द सन अब यहाँ पर लिखा था कि मोर देन वन हो सकता है तो उसमें देखिए ये दोनों के काम आ सकता है निमराइज हंगरी तो उसके लिए ये फ्रूट वाला जो है बेस्ट रहेगा एक्टिविटी नंबर ट्वेंटी वन प्रैक्टिकल है और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है इसमें आपने बच्चों को क्या करना है सीड्स देने हैं ताकि वह उसको ग्रो कर सके फिर उसके आपने स्टेप बताने हैं उसमें आपको ये ये सारी चीज़ों की जरूरत होगी और सबसे पहले आपने जैसे क्या करना है सीड लेके मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आग, अगर आपने एक दरख्त लगाना है तो उसका जो तरीका है वो इस एक्टिविटी में बताया गया है इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चों को एक ज़िम्मेदारी मिल जाती है कि जैसे उसको फिर लगाते हैं फिर देखते हैं कि कैसी इसकी ग्रोथ होती है और फिर उसको स्पेशली जिम्मेदारी ये होती है कि नोचर करते यानी उसको पानी देते हैं लेकिन आपने ये बताना है कि ऐसी जगह पर लगाए कि जहाँ पर वाटर और लाइट दोनों उसको मिल सके और फिर उनके नोट बुक पे आप करवाना है कि कौन से डेट पे आपने प्लांट लगाए और कितने दिन में जो है ये जर्मिनेट हुआ है और अब ये कैसे नजर आ रही हैं ग्रीन नज़र आ रही हैं कैसे नज़र आ रहे हैं और उसका फिर जो मेजरमेंट है वो डेली बेस पे करना है या कम से कम एक हफ्ते में लाजमी करें यहाँ पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हैं डू यू नो वाइड एनिमल कैमल है आपने देखा होगा कि कहाँ क्या कहाँ पर होता है हम्प इज रेज स्ट्रक्चर ऑन ऑफ कैमल बेक होता है डिजर्ट है डिजर्ट क्रिएटर है यानी टू लाइव फॉर डेज विदाउट फूड और वाटर कई दिनों तक रह सकता है इट्स बॉडी इज कैन स्टोर फूड इन दामाट एंड साइड दिज हम्प्स इसमें खुराक जो है इन दफामा फेट चर्बी की शक्ल में उसमें स्टोर कर लेता है इट इज़ अवेलेबल इन प्लान ही एंड देन यूज दिस नथिंग इज़ अवेलेबल जब कई दिनों तक कुछ भी नहीं मिलता तो यहाँ से फेड जो है उसको ए uh, टी पी यानी तो प्रोवाइड करते हैं इज द फेट रिजर्व आर यूज अप दम्प श्रिंक एंड अ कैन हैव टू हम्प ऑलो बाज़ ऐसे भी होते हैं कि उसमें दो हम्प होते हैं एक ऐसे यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर और फिर यहाँ पर जो है केमल का हेड एंड इस तरह से यानी दो हम्प होते हैं नेक्स्ट चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन कॉर्नर में विच इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल तो फास्टेस्ट जो लैंड एनिमल है दट इज़ चीता एंड वट इज़ स्टेटोस्कोप वट इज़ अ स्टीटोस्कोप मेडिसनल इंस्ट्रूमेंट है यूज फॉर लिसनिंग समन हार्ट बीट और ब्रीथिंग जो हार्ट बीट और ब्रीथिंग अक्सर डॉक्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए अगर आपने कभी आ, किसी हॉस्पिटल का दौरा किया हो डॉक्टर के साथ आपकी मुलाकात हुई हो तो अक्सर उन लोगों ने जो है यहाँ पर आप देखा होगा जो अक्सर मरीज़ के बैक साइड पे या कहीं पे लगा के उसका हार्ट बीट या फिर ब्रीथ का देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी आर देयर एनी बर्ड्स विच केन नॉट फ्लाई कोई ऐसा परिंदा जो उड़ नहीं सकता हो तो बिल्कुल हाँ है उसमें सबसे पहले जो आता है ऑस्ट्रिच आता है ठीक है एंड दूसरा आप लिख के कीवी का लिखें कीवी ये दो परिंदे हैं इसके अलावा और भी हैं जो उड़ नहीं सकते वट इज़ द टेलीस्कोप टेलीस्कोप का हम लिख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपेयर नियरर यानी जो दूर की चीज़ें हैं वह आपको करीब करके दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं टेलीस्कोप कहते हैं ये जो है टेलीस्कोप है और ये मख्तल ये देखें ये देखें और वैत हलाल कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं वो अक्सर इससे जो छांध देखते हैं ये नहीं बहुत दूर होता है लेकिन इससे करीब आपको दिखाई देता है उसमें से एक जो पिक्चर है ये देखिए ये टेलीस्कोप से लिया गया है